दोस्तों कल संसद भवन में महिला आरक्षण यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पारित किया गया और पास हुआ। आपको बता दें इस बिल के पीछे के क्या बेनिफिट है और इससे क्या फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फिर शुरू करते हैं। आपको बता दें राजधानी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा सीटों में भी 33% आरक्षण दिया जा रहा है, लागू कर दिया गया है। आपको बता दें अभी 181 सीटें आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए। इससे पहले आपको बता दें फ़िलहाल में 82 सीटें जो कि महिलाओं के लिए अभी फ़िलहाल में है। आपको बता दें इस बिल के पीछे की कहानी, कई वर्षों से कई दशकों से ये बिल अटका पड़ा था। आपको बता दें इसका अटकने का कारण यही है कि ST और SC OBC के वर्ग के जो लोग हैं उनको अलग से 33% आरक्षण, अलग से कोटा दिया जाए ताकि वो अलग से चुनाव लड़ सके। आपको बता दें फ़िलहाल में ये बिल 15 वर्ष के लिए पारित किया गया है, केवल 15 वर्ष के लिए है। बाद में अगर इसकी ज़रूरत होगी तो 15 वर्ष से इसे बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें इस बिल को पेश करने के पीछे कई बहुत सारी चर्चाएँ हुई और बवाल भी हुआ, लेकिन अंत में इसको पारित किया गया और संसद में इसको मंजूरी मिल गई। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।